रिलीज हो गया है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का टाइटल ट्रैक। रोमांटिक है सोनम और राजकुमार की केमिस्ट्री। सोनम कपूर की मच अवेटेड फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है। सॉन्ग हिंदी और पंजाबी का मिक्स वर्जन है जिसे सुनकर काफी अच्छी फीलिंग आती है। इससे ज्यादा मजा इसके वीडियो को देख कर आता है। सोनम कपूर और राजकुमार राव भले ही फिल्म में एक दूसरे को रोमांस करते नजर नहीं आने वाले, लेकिन इस गाने में दोनों की जोड़ी देखना मजेदार है। सोनम और फिल्म की टीम ने इसके टाइटल ट्रैक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। सोनम ने गाना शेयर करते हुए लिखा कि ऐसे गाने के बिना ट्रू लव में फील कैसे आ सकती है। फिल्म का ट्रेलर 27 दिसंबर को रिलीज किया जा चुका है। ट्रेलर से पहले फिल्म का एक टीजर भी आया था जिसे देखकर सबको पता लग गया था कि ये एक लव स्टोरी है, लेकिन सामने आए ट्रेलर को देखकर आपको समझ आएगा कि ये प्रेम कहानी तो है लेकिन सच में एक जोरदार स्यापा है। फिल्म समलैंगिक रिश्तों पर बनाई गई है जिसमें सोनम कपूर किसी लड़के को या फिल्म के हीरो राजकुमार राव को नहीं बल्कि एक लड़की को देखकर प्यार कर बैठती है। सोनम की ये पार्टनर कौन है इसका पता अभी ट्रेलर में नहीं लगा है, लेकिन हाँ राजकुमार राव को फिर से एक ऑफ बीट किरदार करते हुए देखने में मजा जरूर आएगा। बता दें इस फिल्म को शैली चोपड़ा धर डायरेक्ट कर रही हैं और बतौर डायरेक्टर ही उनकी पहली फिल्म है। इससे पहले अनिल कपूर की फिल्म 1942 लव स्टोरी को शैली चोपड़ा के भाई विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में अनिल कपूर और जूही चावला 9 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म नए साल पर 1 फरवरी को रिलीज होने वाली है।